हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आज हम बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आए हैं। चना दाल एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है और कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कुछ यूज़ नहीं करेंगे। जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ज़रूरी है सिर्फ वही यूज़ करेंगे जो कॉमन सभी लोगों के पास इजीली अवेलेबल होता है। तो और बहुत टेस्टी बनती है ये दाल, इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिएगा। चावल से भी बहुत टेस्टी लगती है, रोटी से भी टेस्टी लगती है और चावल से ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए ये टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। हमने प्रेशर कुकर मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लिया है और इसमें हम 3 चम्मच सरसों का तेल डाल लेंगे और इसे हम गरम हो जाने देंगे। तेल को अच्छे से हम गरम कर लेंगे, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और तेल गरम हो गया है, इसमें मैं 2 तेज पत्ता तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ तेज पत्ता डाल रही हूँ जो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए और बहुत सस्ते मिल जाते हैं और सभी के पास अवेलेबल होते हैं जो ध्यान रखते हैं डालने के लिए। और इसमें हम 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल लेंगे और इसे ब्राउन करेंगे। कोई भी खड़ा मसाला हम यूज़ नहीं करेंगे, इसे प्याज को थोड़ा बारीक काट लेना है, बढ़िया से बारीक कर लेना है और इसे हम इसे ब्राउन अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। इसमें 4-5 मिनट लगेगा, बहुत बढ़िया से ये ब्राउन हो जाएंगे। और देखिए जो प्याज है हमारे ब्राउन हो चुके हैं, 4-5 मिनट बीत चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसे भी हम अच्छे से इसके साथ फ्राई कर देंगे। 2 मिनट में अच्छे से ये ब्राउन हो जाएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। और अब इसके अंदर हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल लेने हैं जो इस तरह से बारीक काट लेना है और अच्छे से उसे भी हम इसमें मिक्सचर में प्याज लहसुन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे बढ़िया से चला देंगे। और इसे भी हमें गलने तक इसे भूनना है। अब इसके साथ हमें स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देना है ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से जल्दी से गल जाएं, ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसी के साथ हम मसाले डाल लेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच ही इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। धनिया जो है 1 टेबल स्पून डालना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं हमारे जले नहीं और बढ़िया से इसको ये जो है पक जाए। थोड़ा सा पानी हम ज़्यादा डालेंगे, टमाटर थोड़े अभी जो खड़े हैं वो अच्छे से गल जाएंगे इसके साथ और मसाला भी जो है हमारा बहुत अच्छे से पक जाएगा। और इसको 2-4-5 मिनट लगेगा, बहुत अच्छे से ये जो है तेल छोड़ने लगेगा। और देखिए 4-5 मिनट बीत चुका है और मसाला हमारे अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ने लगे हैं, पानी पूरा सूख चुका है। और इसे हमें अच्छे से इस तरह से कर देंगे, जले नहीं, लगे नहीं, भुनना अच्छे से है। और जितना अच्छा मसाला भुनेंगे हमारा जो कोई भी सब्जी या जो भी है बहुत अच्छे से वो ग्रेवी जो टेस्ट आता है बहुत बढ़िया आता है ग्रेवी में। अब हमने 300 ग्राम इसमें दाल लिया है चना का और इसको मैंने बनाने से 1 घंटा पहले ही इसे मैंने भिगा दिया था। उससे क्या होगा कि जो दाल है जो हमारी बहुत अच्छी जल्दी बन जाएगी और इससे हमारे जो गैस की जो है वो बचत होगी, गैस कम लगेगा और दाल भी बहुत जल्दी बन जाएगी, तो इसके फ़ायदे ही हैं। और अब हमने इसमें पानी डाल दिया है। दाल आपको जैसे रखनी है, पतली या गाढ़ी, उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। अब इसका लीड लगा देते हैं और इसमें 3-4 सीटी लगा लेंगे, उससे दाल जो है बहुत अच्छे से पक जाएगी। और 3-4 सीटी हम लगा चुके हैं। अब प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद खोलेंगे। और देखिए ठंडा हो चुका है, इसको खोल लेते हैं और देखते हैं हमारी दाल का क्या हाल है। और देखिए मैंने गैस जला दी है, फुल फ्लेम पे कर दिया है और दाल जो है पक चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा सा मिक्स जैसे कहते हैं ना कि मिली नहीं है। तो मैं इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट तक और हाई फ्लेम पे इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी और दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दाल जो है हमारी मिक्स हो चुकी है और बहुत अच्छे से बन चुकी है दाल। आप इसे चावल से खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं। मैंने चावल के साथ बनाई है तो थोड़ी पतली बनाई है और यहाँ पे कैंडिडेट पतली खाने वाले ज़्यादा है। तो अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो आप गाढ़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत चटपटी मसालेदार बनती है
और आप बनाइए और खाइए, मुझे बताइए कैसे बनी थी। एकदम सिंपल रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं हमेशा घर पे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।